वो जैसे प्रस्ताव आएगा कर देंगे, अच्छी बात है। और केरल स्टोरी तो सभी को देखना चाहिए, और हम प्रदेश के सभी बहनों से अपील करते हैं कि उसको देखें और समझें कि किस ढंग से भारत के किसी एक राज्य में किस ढंग से बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक तरफ द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में हलचल मची हुई है, तो वहीं अब सीएम योगी ने इस हलचल को और बढ़ा दिया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। इतना ही नहीं, खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 मई को लोकभवन में अपने कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने 7 मई को बलिया में कहा था कि द केरला स्टोरी को तो सभी को देखना चाहिए। हम प्रदेश की सभी बहनों से अपील करते हैं कि उसे देखें और समझें कि भारत के एक राज्य में किस तरह से बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो जैसे प्रस्ताव आएगा कर देंगे, अच्छी बात है। और केरल स्टोरी तो सभी को देखना चाहिए, और हम प्रदेश के सभी बहनों से अपील करते हैं कि उसको देखें और समझें कि किस ढंग से भारत के किसी एक राज्य में किस ढंग से बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब प्रस्ताव आएगा तो जरूर करेंगे। गौरतलब है कि सुदीप्तो सेन ने द केरला स्टोरी को लिखा और डायरेक्ट किया है। ये हिंदी भाषा में बनी फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में अदा शर्मा है। ये फिल्म पिछले शुक्रवार यानी 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी केरला से कथित तौर पर गायब हुई लगभग 32,000 महिलाओं की खोज पर आधारित है। 32,000 ये नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हमने फिल्म ने बताया जरूर कि 32,000 क्या, 32,000 से ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसीस पे चले गए, हमने बोला गायब हो गए, घट से चोर के चले गए। ये लड़कियां कहाँ है और कहाँ गया है, कब गया है, इसके लिए हमने एक RTI भी फाइल किया था। हमारी आंकड़ा क्या है और हमारी आंकड़े की सपोर्ट क्या है, वो मुझे लगता है वो फिल्म देखने के बाद ही आप लोग जाने तो अच्छा है। तब तो मुझे कहानी बोलना पड़ेगा आपको फिल्म की, जो मैं नहीं बोलना चाहता। वहीं केरला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के अनुसार फिल्म में किया गया ये दावा सरासर गलत है कि 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें कट्टरपंथी बनाया गया और उन्हें भारत एवं दुनिया में आतंकी मिशन में तैनात किया गया। बलिया से अनिल अकेला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।